स्टार्ट होगा और अभी लोग अब आने ही वाला है और मैं सुबह से पढ़ पढ़ के मैं पागल हो चुकी हूँ। तो अभी देखते हैं आज कैसा एग्ज़ाम जाता है। आई होप जैसे पहला एग्ज़ाम गया था आज सेकंड भी ऐसे जाए। तो अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, अभी मैं शावर लेके आई थी क्योंकि अभी तो खाना बनाना है, मुझे हस्बैंड आएंगे तो लंच वंच करके ही जाऊँगी मैं। अभी फिर 6 बजे छुट्टी होगी मेरी, 6 बजे मेरा एग्ज़ाम फिनिश होगा तो वही फिर रात का टाइम हो जाएगा। और फिर कल वही, कल फिर से स्कूल जाना है हमको और 3 दिन फिर स्कूल, 5, 6, 7 फिर 8 में फिर मेरे एग्ज़ाम है और 9th का, चलो शुक्र है 8th का सैटरडे है, संडे मिल जाएगा। और शायद अगर मंडे की भी छुट्टी रही क्योंकि कावड़ चल रही है, रास्ते बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो ब्लॉग शेयर किया था आपके साथ उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं डेली ब्लॉग शूट करूँगी और प्लीज़ ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। लेकिन शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ उसमें पता नहीं मेरे व्यूज़ नहीं आते, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं आते। तो पर मैं कोशिश करूँगी, मैं डालती रहूँगी, आएंगे कभी तो आएंगे व्यूज़। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, बाय बाय। क्यों खरीदेगा गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आयो बच्चे होंगे। और ये देखो फेस पर पिंपल आ गए हैं क्योंकि आम ज़्यादा खाए जा रहे हैं, मैंगो का सीजन है तो मैंगो ही मैंगो खाए जा रहे हैं तो इसलिए पिंपल भी आए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, 10-15 दिन के हैं फिर तो मैंगो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए निकलने दो जितने निकल रहे हैं। आम का मज़ा तो इसी मौसम में है और दबा के आम खाए जा रहे हैं। मैं अभिनव ने तो बिल्कुल ही रेल बना रखी है, उसको तो एक साथ 3 आम चाहिए। मतलब कल 3 आम खाने के बाद फिर उसने चौथा आम भी ले लिया और मैंने देख लिया, मैंने ले लिया उससे, तो कहता है आप गंदी मम्मी हो, आपने मुझे आम खाने लिया। अरे यार, अरे भाई तूने 3 आम खा लिए, चौथा आम ले रहा है। मैंने कहा लूज मोशन लग जाएंगे, कह रहा वो क्या होता है। फिर मैंने उसे लूज मोशन का एक्सप्लेन करा पूरा, मैंने कहा ये होता है। फिर अच्छा, फिर उसने आम रख दिए फाइनली। और अभी मैं आई थी थोड़ी देर पहले ही और अभी कपड़े धुले रखे क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म नहीं डेली धोनी पड़ती है, गंदी हो जाती है गर्मी में, पसीना पसीना बदबू आने लगती है। और अभिनव की भी अब डेली धोनी पड़ती है क्योंकि गर्मी में एक ही दिन पहना है, सर्दी में तो 2 दिन चल भी जाती है, गर्मी में नहीं चलती। और आज मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के यहाँ, कल जा नहीं पाई, कल एग्ज़ाम था मेरा तो लेट हो गए थे वहीं पर, तो आज जाऊंगी मैं। और अभी जो बचा कुचा काम है वो कर लेती हूँ, आज खाने बनाने वाली दूध के जमे। तो स्टार्ट,
बताओ स्पेलिंग। हाँ तो जब पता है फिर पूछ क्यों रहे हो, करो कंप्लीट। हे माय यूट्यूब फ्रेंड्स, और आज मैंने फिर से अपने कपड़े धो डाले क्योंकि डेली यूनिफॉर्म पहनते हैं अभिनव भी और मैं भी, तो डेली वो यूज़ होते हैं, तो डेली वो पसीने में बदबू आने लगती है बहुत गंदी, तो डेली मुझे वॉश करने पड़ते हैं, डेली जाते हैं हम दोनों, तो इसलिए मुझे डेली ही आजकल मशीन ज़्यादा लग रही है। इसको देखो साइड में, ये ऊपर ही पड़ी रहती है पूरा दिन, धूप में पड़ी रहती है, देख लो इसको, इसको गर्मी नहीं लग रही, ये डोसा धूप में पड़ी है, और इसने जितना भी सामान रखा था सब सब कुतर दिया इसने, कुछ नहीं छोड़ा, सारे कागज, मेरा आपको योगा मैट मैंने दिखाया, मेरा योगा मैट भी इसने फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने नलायक ने, और कितने मज़े से पड़ी है, बस क्या बोलूँ मैं, मार भी नहीं सकती इसको, डोगी है और बचपन से यही रही है हमारे नीचे, अब ये बड़ी होगी ना अभी सुनती नहीं है, देखना बिल्कुल भी नहीं सुनेगी अब भी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।